हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिदे के एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीमेल में कोई फोटो कैसे सेव करें या फिर जीमेल में कोई फोटो कैसे डालें। अगर आपके पास कोई ऐसी फोटो है जो आपके बहुत ही काम की है तो आप उसे गूगल में डाल सकते हैं, जीमेल में डाल सकते हैं और वहां से कभी भी आप उसे वापस से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये करने के लिए सबसे पहले आप अपनी जीमेल ऐप में चले जाएं। इसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंपोज का, इस पर क्लिक कर लें और यहां पर एक ऑप्शन होगा फ्रॉम का, तो यहां पर आपको टू के ऑप्शन में यही सेम ईमेल डालना है जो ऊपर है। ठीक है, तो मैं डाल देता हूं। तो मैंने यहां पर ईमेल डाल दिया है, इसके बाद यहां पर क्लिक कर देता हूं। तो देखिए यहां पर नाम लिखकर आ रहा है बट ये यही ईमेल है, इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं आप। इसके बाद सब्जेक्ट में आप लिख दें इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है, इस तरीके से आप लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद कंपोज ईमेल पे क्लिक करें, ठीक है। अब आपको यहां पर पिन के आइकन पर क्लिक करना है, अटैचमेंट फाइल और अटैच फाइल पे क्लिक कर दें। इसके बाद यहां पर इस तरीके से स्लाइड कर लें और आपको गैलरी का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक कर लें और यहां से अपनी कोई भी फोटो जो भी आपकी इंपॉर्टेंट है उसे सेलेक्ट कर लें। तो मैं ये वाली फोटो ले लेता हूं, ठीक है, और एक और सेलेक्ट कर लेता हूं मैं, ये वाली। अब यहां पर डन पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए दोनों फोटो यहां पर आ गई हैं। इसके बाद यहां पर सेंड के बटन पे क्लिक करना है और ये मेल सेंड हो जाएगा। अब अगर आपको इसे ढूंढना है, कभी भी कुछ दिन बाद आप इसे ढूंढेंगे तो आपको यहां पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंपॉर्टेंट वर्क इस तरीके से लिखेंगे तो देखिए यहां पर आपको ये मिल जाएगा। और एक और तरीका, यहां पर आप थ्री लाइंस में जाएं, सेंड के ऑप्शन पे जाएं यहां पर और भेजा हुआ ईमेल आपको यहां पर मिल जाएगा इंपॉर्टेंट वर्क का, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप समझ गया होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बाय बाय।